अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बारे में बताऊंगी कि ये कैसे यूज़ करते हैं। अक्सर मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि जब बेकिंग पाउडर डालती हो तो बेकिंग सोडा क्यों इस्तेमाल करती हो, या दोनों का एक ही काम है। ये मैं आपको आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले ये जो बेकिंग पाउडर है, ये इस तरह डिब्बे में होता है। ये जो बेकिंग पाउडर है, ये बड़े स्टोरों से मिलता है, जैसा कि बेकरी का सामान जान से मिलता है ना, उन वाली शॉप से मिलता है। बड़ी पैकेट में भी होता है, छोटे पैकेट में भी होता है, और ये छोटा ही डिब्बिया में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये इनके जो वर्किंग प्रोसेस होते हैं ना, ये बहुत कम देर तक होते हैं, लिहाजा इन्हें छोटी ही पैकिंग में इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा जी, और ये बेकिंग सोडा है, ये इसके लिखा हुआ है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये है दाल, चावल, चने, मटर और बीन्स वगैरह की गलावट और जूद हजम बनाने के लिए। बिस्किट, पकौड़े, कचौड़ी, पापड़, जलेबी, इन तमाम चीज़ों को खस्ता और करारा बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि डबल रोटी हो गई, पिज़्ज़ा, गुलाब जामुन, रसमलाई, इनको हल्का हल्का फुलाने और नरम करने के लिए ये बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत अच्छा होता है। बेकिंग पाउडर ये बड़े स्टोरों से मिलता है, छोटी पैकिंग में होता है, और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, दरअसल ये दोनों बेकिंग की चीज़ों को फुलाने का काम करते हैं। दोनों अलग अलग हैं, जबकि बेकिंग पाउडर जो है, ये आपको ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाता है। बेकिंग सोडे को आप, ये बेकिंग जो सोडा, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं, तमाम किसी भी दालों वाली दुकानों से इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसमें इन दोनों में फ़र्क यही है, ये दोनों फुलाने का काम करती हैं, लेकिन इनके काम अलग अलग हैं। अच्छा जी, इन दोनों में फ़र्क ये है कि बेकिंग सोडा जो है ना, ये बिल्कुल थोड़े थोड़े से दानेदार, बारीक बारीक सा दानेदार होता है, जबकि बेकिंग पाउडर जो होता है, ये बिल्कुल ही पाउडर, टेलकम पाउडर की तरह का होता है, बिल्कुल पाउडर सा बना हुआ होता है। इन दोनों में ये फ़र्क है। और अगर आप बेकिंग सोडे को असल की पहचान करनी हो, तो ये बेकिंग सोडे को और बेकिंग पाउडर को, दोनों को आप अगर पानी में डाल दें, तो ये जो बेकिंग सोडा है, ये उबलता नहीं है, ये नीचे बैठ जाएगा, जबकि ये बेकिंग पाउडर जब हम डालेंगे पानी में, एक गिलास पानी में, तो ये इसके बबल बन के ऊपर को उठने लगेगा। तो इन दोनों के असल होने की ये एग्जाम है। इसके बाद बेकिंग सोडा जो है, वो ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए इस्तेमाल होता है, और बेकिंग पाउडर ज़्यादा फुलाने के लिए, जैसे केक को फुलाने के लिए, और पिज़्ज़े में वगैरह में, इन चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है, बेकरी की चीज़ों में। लेकिन इसके साथ फुलाना ही काम नहीं होता, इसके साथ उसमें जायका और क्रिस्पी करारापन भी आए, तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मसलन अगर एक चुटकी ये है, तो आधी चुटकी बेकिंग सोडा इस्तेमाल होगा। सोडा जो है, बेकिंग सोडा अगर हम बेकिंग की चीज़ों में डाल दें, मसलन पिज़्ज़े में अगर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया है, या ऑमलेट बना रही हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है, तो इसके एक्सेस होने का पता हमें तब चलेगा कि वो चीज़ जो है, मसलन वो जो हमने अगर पिज़्ज़ा बनाया है, बर्गर बनाया है, या केक बनाया है, तो उसकी वो जो जब हम उसे टेस्ट करेंगे, तो उसमें कड़वाहट होगी। तो उसका मतलब ये है कि हमने बेकिंग सोडा ज़्यादा डाला है। बेकिंग की चीज़ों में बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, मसलन बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बेकिंग सोडा इस्तेमाल ना करें, ये करें, लेकिन बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे, तो वो कड़वे हो जाएगा, जो भी आप टेक्सचर बना रही हैं उसमें कड़वाहट आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ
आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे के डिफरेंस बता दिया है और इसके असल होने की पहचान भी बता दी है और ये कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए ये भी बता दिया है। ये कम से कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, ये पकौड़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इन्हें पकौड़ों में ज़्यादा डाल दें तो पकौड़े कड़वे कड़वे और अजीब से बुरे से टेस्ट के बन जाते हैं। इनको कम इस्तेमाल करना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे खाने में जायका नहीं है। सोडे का इस्तेमाल कम करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।